बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इतनी बड़ी शिकस्त हुई है बीजेपी को, मोदी को, आज पाकिस्तान को बदनाम करने और ब्लैक लिस्ट डालने के लिए उनका मंसूबा जिस तरह नाकाम हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसका इलेक्शन पर मोदी को इतना बुरा असर पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। FATF जो कि एक इदारा है जिन्होंने पाकिस्तान को नवाज शरीफ के बयान के बाद और नवाज शरीफ की वजह से और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों, इसराइल के दबाव और इंडिया के दबाव के बाद ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, इन्होंने अब फैसला आज जो आया था पुलवामा का जो अटैक मोदी ने जाली करवाया उसके बाद इंडिया ने पूरी कोशिश की, इतना प्रेशराइज किया FATF इदारे को कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और मोदी ने ये स्टंट इलेक्शन में इस्तेमाल करना था कि देखिए हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया। उनकी उम्मीदों पर इतना पानी फिरा कि पिछले 6 महीने के अंदर इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो जो इकदाम किया, आपके गुमनाम हीरोज की जो रिपोर्टें थी उसकी रोशनी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम है और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से ये कामयाबियाँ हासिल की। मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की लेकिन जो वर्डिक्ट फैसला आया वो ये आया कि अक्टूबर तक पाकिस्तान को मज़ीद टाइम दिया जाएगा। पाकिस्तान चूंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है तो हम इनको ब्लैक लिस्ट किसी सूरत नहीं डाल रहे, इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर आ जाएगा। इतनी बड़ी शिकस्त है मोदी के लिए और भारत के लिए, बीजेपी के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी अंदाज़ा कीजिए कि मोदी ने पूरी प्लानिंग करके रखी थी, अटैक भी टाइमली करवाया कि FATF के अंदर पाकिस्तान का तमाम जो मामला था वो सबमिट कराया कि देखिए दहशतगर्दी आती है और इमरान खान ने जिस तरह इकदाम किए। अब इन 8 महीनों में क्या होगा, देखिए मोदी सरकार आती है या नहीं आती, चांसेस अभी तक बिल्कुल 45 मोदी के आने के, 55% है नहीं आने के। अगर मोदी पाकिस्तान पर अटैक नहीं करता तो मोदी के चांसेस 35% से 30% रह जाएंगे इक्तदार में आने के लिए। अब भारत के अंदर माहौल किस तरह का पैदा होगा, कांग्रेस ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया तो चांसेस मोदी के कम है। अब इनका प्लान था कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवा कर हम लोग पूरी तरह पाकिस्तान को साइडलाइन करके उनको दहशतगर्दी और ब्लैकलिस्ट में डाल दें। इमरान खान ने एकदम आज जो किया वो बेहतरीन थे, हुकूमत ने जो किया बेहतरीन थे और इसके बाद देखिए मोदी का प्लान खराब हो गया। अब इन्होंने इलेक्शन में कैंपेन इस्तेमाल करनी थी कि देखो देवियों सज्जनों हमने पाकिस्तान को डाल दिया है ब्लैक लिस्ट में, अब हम पाकिस्तान को नेस्त तो नाबूद कर देंगे। ये इतना बड़ा उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने पूरी प्लानिंग थी, उनको पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। अब 8 महीने के अंदर क्या होगा, मोदी तो इक्तदार में आता या नहीं आता, ज़्यादा चांसेस है कि वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो जाली हमले की, जाहरी बात है कांग्रेस की पॉलिसी वो लेवल की नहीं है क्योंकि उनका जो दाग आज तक सिखों का जो ब्लू स्टार ऑपरेशन है वो ही नहीं धुला तो वो बाकी काम क्या करेंगे। ये इंडिया के अंदर रॉ की एक्टिविटी रहती है और मोदी इक्तदार के अंदर अगर नहीं रहता तो मामला कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक बेहतर रहते हैं, जो कि ये ब्राह्मण तबका नहीं चाहता, ये भी बात याद रखिएगा। अब 8 महीने के अंदर पाकिस्तान बहुत कुछ कर चुका होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत कुछ कर चुका होगा। अल्लाह के हुक्म से जो 15 से 20 अरब डॉलर्स की अभी तक हमें रिकवरी की काफ़ी मुल्कों ने बात की है, काफ़ी कुछ आ चुके होंगे और उसके एविडेंस भी हम जमा करवाएंगे कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हमने ये किया, पाकिस्तान के अंदर जो हुंडी के ज़रिए पैसा जाता वो कितना कम हुआ और उसके अलावा अब इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके बाद महातेर मोहम्मद हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तैयब उर्दगान आ रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि इमरान खान का रूस का कोई दौरा हो जाए या रूस का हमारी तरफ कुछ हो जाए, एक भी मुलाकात हो गई तो उसके बाद पाकिस्तान आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। अब मोदी सरकार के पास क्या ऑप्शंस हैं इतनी बड़ी नाकामी के बाद, अब मीडिया इनको क्या कह रहा है। अब देखिए भारत का मीडिया प्रेजेंट कर रहा है कि पाकिस्तान को एक और चांस दिया, यानी अंदाज़ा कीजिए कि ओरिजिनल रिपोर्ट ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के इकदाम को सराहते हुए कहा है कि आपको मज़ीद इकदाम करने हैं इस लिस्ट से निकलने के लिए और हम आपको 8 महीने का मज़ीद टाइम देते हैं, जो कि मोदी के लिए नाकाबले कबूल है। अब भारत में ये डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान को इन लोगों ने
थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, चांस दे दिया है, और उसके बाद अब पाकिस्तान को मजीद नेक्स्ट में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब 8 महीने के बाद पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होगा, कौन कौन पाकिस्तान आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट लूटा हुआ पैसा, हम सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी जो भी काम होगा वो 8 महीने बाद देखा जाएगा जो मामला होगा। इस वक्त इमरान खान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि उन्होंने इकदाम को सराहा है। अब जो मामला उनके सामने आया उनका मतलब ये था कि आपने मिसाल ले लीजिए अगर 100 में से आपने 70 इकदाम करने हैं तो अभी आपने 60 किए हैं या 55 किए हैं, आपको मज़ीद इसको ज़्यादा इकदाम करने हैं। अब इसके बाद 8 महीने हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके गुमनाम हीरोस ऑलरेडी तैयार है, इंशाल्लाह हमारे लिए हर आने वाला दिन एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है। और ये मोदी की नाकामी इतनी बड़ी नाकामी है कि इस पर पाकिस्तान के अंदर अच्छे खासे अंदाज के अंदर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आपको मीडिया चाहे कुछ भी कहे, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कुछ भी हो, जबकि असल हकीकत है कि उन्होंने आपको ग्रे लिस्ट से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डालने की पूरी तैयारी थी, आप वहां पर स्टे कर गए हैं, इसका मतलब आपने रोका है, अब मजीद इकदाम करेंगे तो आप इस लिस्ट से भी निकल जाएंगे। तो मोदी सरकार के लिए हर आने वाला दिन नाकामी से भरपूर है और पाकिस्तान के लिए कामयाबी से भरपूर। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।